सारे लोग अच्छे हैं जो पूरे सिर्फ शाम की चाय पीने आते हैं, वाइट की शाम की चाय पीने और शाम के मौसम में इंजॉय करना पड़ेगा। वाइटिंग की चाय मशहूर बहुत है। अगर आप वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अलहमदिल्ला ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ब्लॉग कर लेती हूँ, और उस वक्त मैं करने गई थी वहाँ स्टेज पे, लेकिन क्योंकि असेंबली ऑन है और क्रिकेट चल रहा है तो इस वजह से नहीं कर पाई। सो आज है सैटरडे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज है सैटरडे और आज है मेरा लाइव शो। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। बारबेक्यू बनाना था लेकिन कुछ चीज़ें का स्ट्राइक भी है तो वो आ नहीं सके हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ अचार गोश्त बना रहे हैं। और क्या है जी, और पीएफ का जो माहौल है माशाल्लाह हमेशा की तरह ताज़ा। ये देखिए, जिसका कोई जवाब नहीं। और बस क्या कहूँ मैं, और कुछ भी कहने को नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बस ये मेरी आज की ड्रेसिंग है। ये देख लें, ये मैंने 2 से 3 दफ़ा पहन चुकी हूँ। और शलवार कमीज़ का जो स्टॉक है ना, हमारे पास काफ़ी हद तक कम है। तो अगर डायरेक्ट मुझे अम्मी के यहाँ जाना होता है ना, तो बोलती हैं कि तुम जीन्स और शर्ट क्यों पहनती हो। अब वही वाली बात है कि वो मेरा काम है तो मुझे करना होता है, तो इसलिए मैं पहनती हूँ। तो लेकिन वही बात है कि वो अम्मा अब्बा तो नहीं समझते ना कि उनको लगता है कि मैं बुरका पहनूँ। कहती बुरका पहनूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मैंने आज फिर मैंने कहा चलो चॉइस की। वैसे भी मैं सैटरडे संडे में से एक दिन शॉर्ट कमीज पहनती हूँ और एक दिन मैं जीन्स पहनती हूँ। तो आज जो है वो मैंने ये पहन लिया। अभी मुझे जाना है रूफी से मिलने के लिए, भाई से। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, तबीयत ठीक नहीं थी। अगर मैंने नहीं बताया, मैंने शायद टिकटॉक पे बताया और यहाँ पे नहीं बताया, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा ये कि यहाँ पर आज काफ़ी रश है क्योंकि आज मैच चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का। और ये देखें कितना रश काफ़ी है, जबकि आज स्ट्राइक है और स्ट्राइक की बिना पर जो है ना इतना रश नहीं होना था। जब मैं बाहर से आ रही थी तो जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। तो यानी कि जो पीएफ म्यूजियम का पूरा जो मजमा है ना, वो असेंबली के सामने बैठा हुआ है हमारी वाली, और जहाँ पे हम भी कुकिंग शो करते हैं। और बाकी जो रश है वो कितना कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो इस तरह का हिसाब किताब है। अच्छा जी, और क्या बताऊँ, और बस यही कि मैं कोशिश करूँगी कि आप सारे ब्लॉग शेयर करूँ। आज मैंने बनाई थी बीफ का करी बना ली थी, जो कि यखनी आपने देखी थी ब्लॉग में, तो बस उसी को मैंने जो है बस सिंपल सा यखनी कोरमा मसाला डाल के ना यखनी बना ली थी। यखनी जो बनाई थी कोरमा मसाला डाल के, उसको कोरमा नहीं बनाया था, उसको सालन बना लिया था। और क्या बताऊँ, बस ये अभी तक फ़िलहाल इतना ही। ये जो मेरा मोबाइल है वो अभी तक बहुत अच्छा से नहीं हुआ है सेट, लेकिन यहाँ का जो मौसम है ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और मैं अभी यहाँ पे जो है ना गर्द क्या होता है पता नहीं, गश्त कर रही हूँ। सो अब यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ, और फिर ये है कि उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम शो शुरू करेंगे। उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा तो हो ही गया, वहाँ को जाने का फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो चलें हम यहीं पर खड़े होकर जो है वो बातें कर लेते। 3 मिनट तो हो गए हमें बातें करते करते आपके साथ, और आपका शुक्रिया कि आप लोग वीडियो पसंद करते हैं और उसको लाइक भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, कमेंट नहीं करते, उसके लिए भी शुक्रिया। जो लोग कर लेते हैं वो प्लीज़ लाइक कर लेते हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले। बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जो कि
देखते हैं लेकिन छुप छुप के देखते हैं और वो कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सपोर्ट किया करें। अस्सलाम वालेकुम महेश, कैसे हैं आप? वालेकुम सामरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन फंटास्टिक टिप टॉप। एशिया कप का मेरे ख्याल से आप दूर से उनको ना अपनी अम्मी नजर आ रही हैं। हाँ, दूर से आप शायद उनको ना अपनी अम्मी नजर आ रही हैं कि अम्मी खड़ी है बावर्ची खाने में, ऐसा लग रहा है उनको। ये आए ना अंकल आप, तो मैं समझी कि आप शायद ये कहने के लिए आए कि जल्दी मैं कर लें आप लोग खाना वाना पकाना, क्योंकि हमारा मैच जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब तो वक्त पे शुरू होगा। नहीं, यहाँ पे हम जाहिर सी बात है आज थोड़ा सा स्ट्राइक का भी माहौल था, तो क्राउड फिर भी बहुत है माशाल्लाह से। वैसे सैटरडे संडे यहाँ पे जो क्राउड होता है पाँव रखने की जगह नहीं होती, तो इसमें क्राउड के अंदर का छोटे हल्के फुल्के सवालात मैं करता हूँ और उन सवालात के सही जवाब कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया के हवाले से उनकी मालूम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मुझे कोई ऐसा जो 5 गरम मसालों के नाम बता दें जी, आइए जी, सिर्फ 5 गरम मसाले जी। ठीक, अच्छा, सब्जियां हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना और लौकी। लौकी ठीक है, भिंडी भी सही कहा था वैसे उन्होंने। आइए तशरीफ लेकर आइए। फिर देवरानी भी ना हो फिर चंद, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आइए वहाँ भी एक कायदे तुम वहाँ भी खड़े हैं, जैसे म्यूजियम से आप लोग बाहर निकलेंगे एक स्टैचू कायदे तुम वहाँ भी मौजूद है। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया ना वहाँ। चले जो है कायदे आजम से रिलेटेड पूछ लें कुछ। लेकिन आज हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में फर्स्ट एक्सपीरियंस कराची के नमक के नाम पे खा रहे हैं। जहर कातिल है सफेद नमक, अल्लाह ताला ने कुदरती नमक जो हमारे लिए बनाया वो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसमें 48 मिनरल्स कुदरती तौर पे शामिल होते हैं। पाकिस्तान खुद पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती है लेकिन हम लोग सफेद नमक पड़े में कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये हमें गलत नमक के इस्तेमाल की वजह से हो रही है। तो मलका मसाले अपने तमाम मसाला जात के अंदर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता है, कुदरती नमक जो अल्लाह ताला ने बनाया है आपके लिए, कुदरती नमक, और 48 मिनरल्स कुदरती तौर पे होते हैं। आपको मार्केट से कोई भी पिंक सॉल्ट मिले आप इस्तेमाल कर दिए ना, उस पर आपको जो है शेफ महवी जो है आपसे पूछ लेते हैं। देखिए जो लोग यहाँ ऊपर खड़े हैं ना, वैसे तो मुझे पता है आप लोग नीचे ही होते हैं, जो ऊपर खड़े हैं वो खड़े इसलिए आपसे सवाल किया जाए, मुझे ये भी पता है ना, आपसे सवाल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है कि बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले 5 बर्तनों के नाम बता दें। बेलन, जिससे पति को पीटना है वो तो भूल ही गई थी आप, वो एंड में याद आ रहा है आपको। आइए टेस्ट करवाने, अब टेस्ट करें और उसके बाद जायके को जरा फील कीजिएगा और फिर मुझे थोड़ा सा बताइएगा जी कैसा लगा टेस्ट। आप बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। अचार कुछ बनाती हैं घर? जी घर पे बनाते हैं। ऐसा ही बनता है? जी ऐसे ही बनता है, ऐसा ही बनता है। आप क्या कोई खास कमाल किया आपने, कोई भाई की शेफ हो आप, ऐसा तो वो भी बना लेती हैं, यही कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं अच्छा बना, अच्छा बना है, ठीक है जी, चलें जबरदस्त। नहीं 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 अच्छा, आप कुकिंग करती हैं? नहीं करती, कुछ भी नहीं पकाती, क्या बनाती? रोटी, रोटी बनाती, नहीं पकाती कुछ भी नहीं, कभी कभी देख के दिल कर रहा। वैसे आमतौर पर दिमाग तो पका ही देती होंगी घर में वो तो ये बोले ना, हाँ कुछ तो पकाती हूँ मैं, चलें कुछ तो पकाती हैं आप। अच्छा, नेट से देख के अब तक क्या कुछ बना चुकी हैं आप, कोई ऐसी 5 रेसिपीज बताएं जो आप बना चुकी हैं? हो गए 5 स्पैगेटी भी आपने नेट से देख के बनाई, अल्लाह माफ करे, ठीक है। बड़ी मैं जब स्टूडेंट लाइफ में सबक पढ़ता था वो हमारे ड्रामा होता था हमारी उर्दू की किताब के अंदर, असगरी अकबरी,
आपने भी पढ़ा होगा, एक बहन सुगड़ होती है एक बहन फूगड़ होती है, तो हाँ मुझे वो अकबर ही याद दिला दिए। आइए कोई ऐसा जो YouTube से रेसिपी देख के अंडा बॉईल करता हूँ, हाँ अंडा बॉईल करने के लिए YouTube की रेसिपी देखी जाए, नहीं है अच्छा। थैंक यू। अच्छा आप से थोड़ी सी बात करेंगे, कुकिंग करती हैं? अच्छा पांच बिल्कुल देसी जो ठेठ देसी खाने होते हैं ना, पांच देसी खानों के नाम बताएं। बिरयानी की होगी कढ़ाई सही, ठीक है आइए पीछे लेकर आइए। हाँ दे दूंगा मैं आपको, आखिरी बचा दे दूंगा, ठीक है। ये भी दे दो। मिला मुझे क्यूएनएन की तरफ से, अब क्या है इसमें वो मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। शो ख़त्म हो गया और अब मैं घर जा रही हूँ, मज़ा आया हमेशा की तरह। और अभी जो है वो क्या बज रहे हैं टाइम के बारे में, खास से 9 बज रहे होंगे, तो अभी मैं मम्मी के जाऊंगी और क्या करूंगी, अभी अंधेरा बहुत हो रहा है, आप लोगों को नज़र नहीं कम आ रहा, लेकिन ये मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो बस अब मैं जाऊंगी घर, मम्मी के पहले और उसके बाद फिर घर जाऊंगी। तो आज जो है खाना बनाया हुआ है मैंने, ग्रेवी भाई बीफ ग्रेवी कहना चाहिए, कौरमा शोरमा तो खैर वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो बस फिर मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। जी जी जी, ये बच्ची आपके साथ को देख के क्लियर। तो जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ वापस घर और अभी पीएफ से निकल रही हूँ और गाड़ी की केयर है ना वो मैंने लगाई नहीं है। कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे मुझे रश मिलता है हमेशा और गाड़ी को बिल्कुल ज़ीरो पे करना पड़ता है, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रश नहीं है फ़िलहाल, लेकिन लेट्स सी अभी तो कंटिन्यूसली चल रही है, बीच में जो है वहाँ से वो और रश आ जाता है। तो बस मैं बंद कर रही हूँ कि माशाल्लाह नहीं है रश, देखते हैं क्या होता है कहाँ पे होता है, अभी तो नहीं है फिलहाल, जो हाथ गुजर के रोड जो वहाँ पे था मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड हो गया है, जो क्योंकि काफ़ी टाइम से ही बन रही है रोड ना, तो अब ये सारी रोड बन चुकी है और अब जो रह गई है वो रह गई है एंड वाली। हाँ यहाँ पे रश है, देखिए रश है, यस ये रश आ गया। अब चलें फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। इसमें जो है ना वो है सिरका है और ये जैम है और ये तो जी आ गए हैं हम घर और मैं गई थी अम्मी के यहाँ, अदनान वहाँ पे आ गए थे और फिर ये हुआ था कि अदनान ने बाइक वहाँ पर छोड़ दी और हम यहाँ पे वापस आ गए गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो फंस गई थी उसमें मिट्टी में, तो फिर मैंने कहा कि भाई आप गाड़ी बाइक रख दें उधर और हम जो है आ जाते हैं। उस तरह से हम घर आ गए वापस और अभी हम रोटी लेने के लिए रुके हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो क्या करेंगे, घर जाएंगे और खाना खाएंगे, गाय का सालन है और साथ में रोटी ले रहे हैं, बस सलाद भी बना हुआ है पैर में खाया था। तो चले बस इंशाल्लाह, अब ये कि अब सभी है हमारे साथ और तान है,
तो बस मैं घर जाके आपसे कोशिश करूँगी कि बात करूँ, हो सकता है कि कल मिलूँ मैं आपसे। लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह रोड अब ठीक मिली है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सो बस अब इंशाल्लाह हम जाते हैं और फिर मैं वहाँ पे जाके आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं आ गई हूँ पी एफ और आज का मेरा ड्रेस ये है और साथ साथ कलर जो है ना वो मैं दे चले खैर। अच्छा जी तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि ऐसा मौसम है जैसे बारिश का। इधर मैं क्यों नहीं देख रही कि मेरा सूरज जो है ना मेरी आँखों में आ रहा है। बाकी बस और क्या करूँ, चले मैं पहुँचती हूँ तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी आई हूँ तो मुझे पानी भी पीना है। सो इंशाल्लाह कर लें। देख के डर गए तो जी मैं पी एफ में आ गई हूँ और आज है संडे 3 सितंबर और जब मैं आती हूँ यहाँ पे अनाउंसमेंट का टाइम हो जाता है। खैर चलें मैं आपसे बात करती हूँ, चलें मैं ये बैठती हूँ ऐसा करती हूँ। और आज मैं कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ डिज़र्ट और आज मैं बना रही हूँ वर्मिसली डिज़र्ट। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपको पसंद आएगी, बहुत इन्जॉय करेंगे। सो चलें थोड़ी देर में। अच्छा तो मैं आ गई हूँ अभी फ़िलहाल स्टेज पे, वैसे अभी शो शुरू होने वाला है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ वर्मिसली के साथ रेसिपी, यानी कि जो सेवइयाँ होती हैं ना इसके साथ बनाऊँगी। और मैं क्या बनाऊँगी वो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, एक नई यूनिक सी डिज़र्ट है जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप उससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। सो यहाँ पे जो आज क्राउड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल मैच की वजह से जो है ना रश नहीं था, तो इस वजह से आज थोड़ा रश ज़्यादा है। और आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी भी देखने को मिलेगी, साथ साथ ये जो क्राउड चल रहा है ये भी देखने को मिलेगा और आप मेरी रेसिपी भी सीख सकेंगे और मेरे ब्लॉग को भी इंशाल्लाह इंजॉय कर सकेंगे। चलिए मेरे साथ रहिएगा। अमीर अली शायर, पैदाइश 1877 और वफात 1941, पंजाबी शायर, ज़िला गुरदासपुर के गांव भरत के रहने वाले थे। तालीम अधूरी छोड़कर सैर व सियाहत की गर्ज़ से मक्का मौजमा और मदीना और अस्फहान चले गए। 4 साल बाद लौटे तो अमृतसर आकर रेलवे में मुलाजमत ज्वाइन की। मुलाजमत रास में आई तो इस्तीफ़ा देकर लाहौर आ गए और पंजाबी ज़ुबान में किस्से लिखने लगे, खुद ही छापते खुद ही बाज़ारों में गा गा कर बेचते। छोटे किस्सों के अलावा वड्डा जंगनामा के नाम से एक ज़खीम किस्सा लिखा जो 512 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इल्म तिब के माहिर थे, पंजाबी अदब की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर लाहौर में फिल्मिंग रोड से गवाल मंडी तक आने वाली सड़क का नाम अमीर अली शायर रोड और चूने मंडी के एक मोहल्ले का नाम अमीर अली शायर रखा गया है। अगर आपके हाथों की जुम्बिश यानी कि तालियां सुन के बच जाएंगी तो मुझे पता चलेगा कुछ लोग सुन रहे हैं, मैं खास खा नहीं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो लोग सुन रहे हैं ताली वगैरह ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है। थैंक यू। ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिसमें टीम की छोटे बेजवाबी हो रही है।
वैसे भी भुनी हुई सेवियाँ भी बच्चों को बना के खिलाएं रोज़ाना ही सुबह नाश्ते में, तो बड़ी उनके लिए मुफीद है और बड़ी अच्छी उनकी सेहत रहेगी। जी बिल्कुल इमरान, हम सही कह रहे हैं। और होते क्या इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं होता असल में ना कि हमने करनी कहाँ पे है, तो ये जो हमारी अमाउंट लग रही होती है थोड़ी थोड़ी की इधर से उधर जा रही होती है चिप्स में और बिस्किट्स में, तो उससे बचने के लिए जो है थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होगी। 3 बजे उठ के या 4 बजे दोपहर में सफ़ैर का जो टाइम में सो जाते हैं या अपने ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करना चाहते हैं वो ना करें, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि बच्चे लाजमी कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुशी से मीठा खाएंगे। और एक छोटी सी टिप देती हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ बच्चे ना खा रहे हो ना तो उनको अपने हाथों से खाना शुरू करें, चाहे ज़रूरी नहीं वो इतना छोटा बच्चा हो 3 साल का या 4 साल का, अगर वो आपका बच्चा 15 साल का भी ना तो उसको भी अपने हाथ से खिलाएं। मेरा बच्चा 15 साल का है माशाल्लाह, तो लेकिन वो मैं उसको अपने हाथ से खिलाती हूँ, भिंडी है, करेले हैं या टिंडे हैं या कद्दू है, तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। उसके बाद अगला टाइम ऐसा आता है कि वो खाना शुरू कर देते हैं, वो तमाम सब्जियों को आलू बोलते हैं, तो आलू का जो है वो बैगन भी आलू है, वो हर चीज़ उनको आलू लगती है। तो अब वो जब उनको अपने हाथ से खिलाती हूँ तो 2-3 निवाले के बाद फिर उनको मज़े का लगने लग जाता है, वो खुद खाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से अगर ये डिज़र्ट या मीठा बच्चे नहीं पसंद करते आपके, तो तरीका यही है कि आप उसको बैठ के बातें करें और कोई कार्टून या जो भी लगा रहे हैं घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्टेज के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। तो रेतीली होती है ना, हाँ रेतीली से नहीं। और कुछ नाम? हाँ और कुछ, हाँ बजरी वाली सर की बर्मी सिलीज को बंद है पता। हाँ वो पछता रही होगी मैं आज बन क्यों रही हूँ। ये डिश आउट कर ली गई है, अब इसको निकाल रहे हैं, हवा जितनी तेज चल रही तो ये जल्दी ही जो है टेम्परेचर इसका नीचे आ जाएगा। मछली वाली सब्जियाँ पत्ते वाली फिश बर्मा सीरीज खाई है आप लोगों ने? बर्मा सीरीज बेचनी है। हाँ फिश बर्मा सीरीज और वो हाँ सब चलता है। चलिए मलका की सेवैयाँ, मछली वाली सेवैयाँ। हाँ मलका की सेवैयाँ इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा ज़बरदस्त मीठा बना है। असल में जब आप कोई नया फ्यूजन करते हैं, कोई नई चीज़ तैयार करते हैं, तो फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए होते हैं उसके हवाले से ही फिर जो इसका कोई नाम डिसाइड किया जाता है। डिज़र्ट बहुत सारे हैं और इस डिज़र्ट तकरीबन जो है एक ही किस्म के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की, जो कॉकटेल्स टाइप होते हैं वो, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाती हैं, लेकिन हरी का तरीकाकार बनाने का डिफरेंट होता है, हरी का फ्लेवर, हरी का टेस्ट डिफरेंट होता है, उस टेस्ट के बिना पर उसके नाम चेंज की जाती है, क्योंकि इसमें वर्मा सीरीज इसमें सेवैयाँ यूज़ हुई हैं, तो इस वजह से इसके अंदर सेवैयों का नाम लाजमी लगाया जा रहा है। और डिज़र्ट तो मैं मजाक में कह रहा हूँ कि रेगिस्तान जो है आमतौर पर हमारे जो मीठा ठंडा मीठा जो होता है उसको डिज़र्ट कहा जाता है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, मैं सवाल सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए आसान आसान, तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आएगा उसको ही मैगजीन भी दिया जाएगा और शेफ मैगजीन उनको जो मीठा उन्होंने तैयार किया उनको टेस्ट भी करवाएंगे। उसकी वजह ये आज संडे का दिन है, अगर मैं पूरे म्यूजियम में नजर डालूँ तो इस वक्त कम अज़ कम भी 25 से 30 हज़ार बंदा पी एफ म्यूजियम के अंदर मौजूद है। अगर हम सबको दावत आम दे दें कि आइए खाइए तो हमें यहाँ पे देगे पकानी पड़ेगी, वो भी कम पड़ जाएंगी, तो लिहाजा थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं सिर्फ आप लोगों को तरीका समझाने के लिए। आप घर में इस तरीके से रखें जिसमें सिलेक्टेड लोगों को हम चुन के ये चेक करवा दें कि कैसा बना है, ताकि आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकें। वर्मा सीरीज सेवैयाँ अगर आपको परचेज करनी हो तो सामने वाइटल कैफे मौजूद है, वहाँ पर मलका की तमाम प्रोडक्ट्स हैं, मसाला जात भी मिल जाएंगे आपको, जो भी मसाला आपने परचेज करने हो सामने वाइटल कैफे से आप परचेज कर सकते हैं, फूड कोर्ट में वाइटल कैफे। ये हमारे वाइटल का स्टॉल है जहाँ पे गर्मा गर्म चाय आपके लिए दस्तयाब है, आपको कभी भी चाय पी के ताज़ा दम रिफ्रेश होना हो तो वाइटल के स्टॉल से आप चाय ले सकते हैं। वो लोग जो चाय नहीं पीते उनके लिए ग्रीन टी के बहुत सारे फ्लेवर इस साइड आएंगे, या खवातीन मौजूद हैं तो खवातीन से सवाल आते हम लोग करते हैं छोटे छोटे जल्दी से। यार ये लीड आज गलत जगह से निकाल दिए, यहाँ आइए जी। कैसा लगा टेस्ट आपको? टेस्ट तो अच्छा है मगर थोड़ा गर्म है तो हाँ अच्छा, डिज़र्ट तो ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन हमने एक तरीकाकार बताना था। आपके घर में फ्रिज है? हमारे यहाँ पे फ्रिज नहीं, हम ओपन एयर कुकिंग कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा ओपन एयर कुकिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले 4 साल से हम ओपन एयर कुकिंग कर रहे हैं, किचन के अंदर बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता है, आप बड़े आराम से कुकिंग कर लेते हैं, या हवा तेज़ है, चूल्हा यूज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे
चलें एक और सवाल, आप सारी खवातीन जो है किचन के अंदर खाना बना बनाते हैं आप लोग जो है, और खाने के शौकीन भी हैं आप लोग, मुझे कौन 6 अलग किस्म की बिरयानियों के नाम बताएगा, 6 बिरयानियाँ जी, पहले इनसे ट्राई कर लेते, अच्छा पीछे से लुकमा कोई नहीं देगा, इनको खुद बताने दीजिएगा, 6 बिरयानियाँ। सिंधी बिरयानी और बम्बई बिरयानी और झींगा बिरयानी, फिश बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कच्चे। हाँ हो गई, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। एक वो जो परसों पकाई थी बिरयानी, और एक जो अगले हफ्ते पकाएंगे वो वाली बिरयानी, हाँ वो जो मुमानी की शादी पे खाई थी बिरयानी, ठीक। आइए तशरीफ लेकर आइए। बेटा नीचे चलो, शाबाश। बेटा सीढ़ियाँ खाली करते हैं, आने वालों को रास्ता देते हैं प्लीज, और यहाँ पे मेरे सामने आहिनी दीवार बन के ना खड़े हों आप लोग, बड़ा मेहरबानी, आप लोग इधर आ जाए। ओह माय गॉड, जी व्हाट अबाउट द टेस्ट, मीठा बनाती हूँ, क्या क्या बना ले? ये आपको कैसा, बच्चों के लिए अच्छा सूटेबल है, और कोई तो खास ओकेजन हो घर में कोई दावत वगैरह तो उसके लिए बना सकते हैं? कोई भी चले, ज़बरदस्त, जो कि वक्त मेरे पास कम है, और ये मसाला मैं भी आपके साथ जाएगा। थैंक यू। बारबेक्यू आइटम के नाम कौन बताएगा? 6 बारबेक्यू जी, करीब आइएगा। कोफ्ते बारबेक्यू नहीं है, कोफ्ते बारबेक्यू नहीं है, चिकन। आगे बढ़ते हैं जी, आप गोला कबाब, निहारी। नहीं निहारी बारबेक्यू नहीं है भाई जी, नहीं नहीं आप रुक जाओ, आप आपको दिया था ना, आप बता नहीं, अच्छा इनसे कौन बता रहा था, यहाँ से इनसे टिक्का, मलाई रोटी, गोला कबाब, सीख कबाब, टिक्का रोटी, टिक्का स्टीम रोस्ट, रोस्ट देखो, नहीं ब्रोस्ट बारबेक्यू नहीं है, फास्ट फूड है। आइए फिर भी आइए, आप आइए बेटा, आप लोग पाँव तले कुचले जाओगे भाई, आइए। वो पीछे से आपको बता रही थी बिहारी, नहीं वो बिहारी नहीं बता रही थी, बिहारी बोल, हाँ आइए आइए बेटा, साइड में हो जाओ। स्पून भर के खाएं, फील तो होना आपको कुछ खाया आपने, भरे स्पून भरे, हाँ जी, कैसा उनको नहीं बताएं, मुझे बताएं, इन सबको बताएंगे, इनको पता है अच्छा बनाए क्योंकि शेफ है, इनको पता है जो बनाएंगे अच्छा बनाएंगे, इनको यकीन दिलाएंगे कैसा बनाए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मीठा बनाती हैं घर में, क्या क्या बनाती हैं मीठे में? ये बनाएंगी घर में आप इंशाल्लाह? ठीक है जी, तो एक मसाला मैगजीन जाएगा आपके साथ, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। 6 गरम मसालों के नाम बड़ा नीचे नीचे हो, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काला जीरा, पिसा। हाँ हाँ ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन, आ जाइए। चलिए एक सवाल और करेंगे फिर ब्रेक, अजान अजान ईशा का वक्त हो जाएगा। अच्छा अब मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं और मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप लोग खड़े हैं, अगला सवाल मैं आप लोगों से करूँगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा सिर्फ आप इसलिए कि शेफ बनी हैं शो में मौजूद, अच्छा ही बोलना है या वाकई ज़बरदस्त जी। चलिए मसाला मैगजीन आपके जाएगा, एक अजान का वक्त, बहुत मैं भी देंगी ना आपको, एक बच्चों आप लोग हट जाएंगे, तस्वीरें सही नहीं आ रही हैं यार।
ओके भाई कर दिए इन्होंने किसी ना किसी टेक्निकली तो पूरी कर दी इन्होंने सालन जबरदस्त जी हाँ ठीक है नो शर्माइए और मैगजीन भी इनको दीजिए के अंदर रुकने वाली छह सब्जियों के नाम कौन बताएगा आप में से जी बेटा नीचे नीचे गिर जाओगी नीचे चलो समझ पीछे हो जाओ बेटा पीछे हो जाओ आवाज नहीं आ रही है चेक कर जल्दी आइए तशरीफ लेकर आइए ये देखो ऐसे मैम क्या हो जाएगा मैम भी आप इसी में बेटा आप लोग पीछे हो जाओ यार यही करती रही हूं और कैमरा आइए नजर आएंगे आप मैगजीन इट्स द लास्ट वन लास्ट बट नॉट लीस्ट बिकॉज एवरी सैटरडे संडे हम यहाँ पर होते हैं और कुकिंग शो आपके लिए पेश करते हैं